सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जिस पर सियासत भी लगातार हो रही है। पहलवान भारतीय जनता पार्टी के दिग्विजय नेता योगेश्वर दत्त ने इस पूरे मसले पर बोलते हुए कहा कि पूरा देश राम में डूब चुका है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है क्योंकि 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से हो रहा है। हमें नहीं पता कि शंकराचार्य वहां पर क्यों नहीं जा रहे। वहीं कांग्रेस के नेता इसलिए वहां पर नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें एक तबके को खुश करना है। तो उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयार है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हमें केवल कमल का फूल दिखाई दे रहा है। इसके लिए पार्टी मुझ पर जो भी जिम्मेदारी लगाएगी उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा। नमस्कार। देखिए, अभी तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि तीसरी बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के, और पूर्ण बहुमत से, जैसे पहले दो बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भी ऐसे पूर्ण बहुमत से विजय हो और तीसरी बार शपथ लें और देश को जिस तरीके से आज देश प्रगति के पथ पे है ऐसी लेके जाएं। उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, हम चाहते हैं कि तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बने। उसके लिए सारे कार्यकर्ता सभी हम साथ में लगे हुए हैं और अभी तो फिलहाल तो आप देखें कि 22 तारीख को जो पूरा देश एक भगवान राम हो रहा है तो उसकी खुशी में हर जगह आप देखिए अक्षत बांटे जा रहे हैं गाँव गाँव में, घर घर में। और 22 तारीख को जो भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना होगी उसको पूरे देश को सभी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अभी खुशी का मौका मिले, 22 तारीख है, 22 जनवरी है जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे होंगे। पूरे देशवासी हर मंदिरों से वो प्रसारण देखेंगे। हमारे जो शंकराचार्य चार वो नहीं जा रहे, उन्होंने मना कर दिया जाना चाहिए। देखिए, उनका मेरे को नहीं पता उनका क्या कारण है क्या नहीं है, पर हमारे लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि हमारे आराध्य भगवान राम फिर से अपने जगह पे विराजमान होंगे। जो 500 साल का जो इंतजार हर सनातनी ने किया था वो इंतजार अब खत्म हुआ होगा और ये हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे भी रोम रोम में राम है, जब भी उठते हैं तो राम राम याद करते हैं। ये तो बीजेपी वोट लेने के लिए इस तरह का राजनीति कर रही है। देखिए, वोट लेने के लिए वो भी चले जाएं, इसका मतलब वो ना जाके वोट लेने के लिए वो भी इसलिए नहीं जा रहे कि कहीं एक तबका, एक जो कुछ लोग हैं वो नाराज ना हो जाए, उनको खुश करने के लिए ना जा रहे हो। और अगर रोम रोम भगवान सबके, और हम सभी भगवान राम हमारे भगवान आराध्य है हमारे लिए और सभी मानते हैं तो जाना चाहिए। और ये किसी एक का नहीं है भगवान राम, अयोध्या किसी नगरी किसी एक की नहीं, पूरी हर हिंदुस्तानी की, हर सनातनी की है और सभी की है, जितने भी हिंदुस्तानी हैं। बात सनातनी की भी अगर है तो मैं कहता हूँ कि सबको जाना चाहिए। और जो इस तरीके की बात करते हैं राजनीति वो करते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, राजनीति तो वहाँ होती है। सर, योगेश्वर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा चुनाव? देखिए, ये सारा काम पार्टी का संगठन का काम है कि वो मेरे को कहाँ पे रखना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं, उस बारे में कुछ नहीं पता। अगर हमें कहीं भी मौका मिलेगा, जहाँ भी पार्टी जो भी चाहेगी, हम वही काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारी, मैंने आपको बता दी कि जो भी पार्टी चाहेगी उसी में हम खुश हैं। जो भी टिकट मिलेगी लोकसभा, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो हमें, तैयारी हमेशा सभी की, जो भी राजनीति में होता है सबकी तैयारी होती है। और तैयारी तो कार्यकर्ताओं की होती है, जो हमारी असली ताकत होती है वो कार्यकर्ता होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे बहुत मजबूत हैं, उनमें हम भी हैं और सभी चाहते हैं कि जो भी आए सबको कमल का निशान दिखता है, उसके लिए मेहनत करते हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लें और देश को एक नई बुलंदी तक पहुँचाएं। योगेश्वर जी, अब साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के खिलाफ युवा पहलवानों ने है वो मोर्चा खोल दिया है, दिल्ली में धरना है वो चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पिछले एक साल से कुश्ती बहुत बुरी दशा से गुजरी है और अब भी गुजर रही है क्योंकि आप 2023 में देखिए, कोई आप तो हमेशा
सपोर्ट्स तीनों ही भाई हमेशा स्पोर्ट्स को कैवरेज करते रहते हैं, देखते रहते हो, उनकी हर न्यूज़ दिखाते रहते हो। और जो अब पिछले एक साल से कोई कैंप नहीं लगा, कोई नेशनल नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जूनियर बच्चों को हुआ है। जो उनकी समस्या थी जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला वो था, वो कोर्ट में है, अब उसका फैसला तो माननीय न्यायालय करेगा। उसके बाद जो हमारे जूनियर बच्चे हैं जो अंडर 15 के थे, 17 के थे, अंडर 20 के थे, अंडर 23 के थे, वो कोई नेशनल नहीं खेले। हर एक साल में एक बच्चा 15 का, 16 साल का हो गया, 17 साल का बच्चा 18 साल का हो गया, जो 20 का था वो 21 का, 23 का, 24 का, वो एक साल कितने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। तो अब उन बच्चों की भी तकलीफ ठीक थी, वो परेशान थे। और अगर किसी अकेले में जाकर पूछोगे तो सभी जो जूनियर खिलाड़ी बड़े परेशान हैं, क्योंकि भविष्य है देश का वो, और उनका भविष्य भी है, क्योंकि नेशनल में लड़ते वो मेडल आते, उनके सर्टिफिकेट मिलते, उनको कैश अवार्ड मिलता, कहीं नौकरी के लिए वो सर्टिफिकेट लगते, तो उनका तो पूरा भविष्य खराब हुआ है। अवार्ड वापस हो रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, आपके साथी भी रहे, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने अवार्ड वापस किया। खासकर मैं खिलाड़ी की बात करता हूँ, ये जो खिलाड़ी को मेडल मिले या अवार्ड सम्मान मिले कोई भी, तो अकेले खिलाड़ी की मेहनत नहीं होती। वो मेरे को अभी पद्मश्री मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला, हरिजन अवार्ड मिला है, मैंने मेहनत किया, पर उसके साथ साथ मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले और मेरे देशवासियों के टैक्स का पैसा, और सरकार इतना पैसा खर्च करती है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक खिलाड़ी पे, अगर जो टोर्स में आता है, एक खिलाड़ी पे साल का 1.5 करोड़ रुपये खर्च होता है, तो इसमें सभी का, पूरी सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान है कोई खिलाड़ी बनाने में। एक समय के बाद खिलाड़ी घर से तो कुछ लगता ही नहीं, सारा पैसा जो सरकार वहन करती है जो टोर्स में आ जाता है। आप किसी का भी, अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है, तो आप RTI लगाइए, देखिए किस खिलाड़ी का कितना पैसा सरकार, किस खिलाड़ी का कितना पैसा सरकार खर्च करती है। अलग से PGO है, अलग से कोच है, पर्सनल ट्रेनर है, उसे अलग हर महीने 50,000 रुपये पॉकेट मनी दी जाती है। तो इतना पैसा, ये सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है जो आज इतने मेडल हमारे पड़े हैं। तो और ये सम्मान पे हमारा एक किसी भी खिलाड़ी का अकेले का अधिकार नहीं होता, वो सम्मान, वो धरोहर देश की धरोहर होती है, उसको इस तरीके से रोड पे नहीं रखना चाहिए, वो एक सम्मान की हो, क्योंकि देश का है तो इस देश की बेइज्जती है। ठीक है, कर पूछ सवाल, पूछी ले पूछ, जो मोदी हटाएंगे वो सांसद है यूपी से, उसके उसमें तो ना हटाई, जय वो आरोपी था, खिलाड़ियों ने आरोपी बताया, तो उसको क्यों नहीं जो ना हटाया गया। देखिए, जो अब नई जो बॉडी जगह जो चुनाव हुए थे, और जो ब्रजभूषण सिंह की आप बात कर रहे हो, वो तो चाह के भी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जो टर्म ओवर था पूरा 10 साल का, वो पूरा हो चुका था, वो तो चाह के नहीं बन सकते थे। उनके दूसरा आदमी संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बने थे, उसके बाद खिलाड़ियों ने अवार्ड वापसी की और संन्यास की घोषणा की, उसके बाद सरकार कुछ उन्होंने उसमें कमी पेशी देख के वो सस्पेंड कर दी थी। नहीं तो जो चुनाव हुए थे वो लोकतांत्रिक तरीके से हुए थे, रिटायर्ड जज जो जम्मू एंड कश्मीर के जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने चुनाव करवाए थे, UWW से ऑब्जर्व आया हुआ था, चुनाव बिल्कुल साफ और क्लियर हुए थे। कुछ चीज़ें देख के सरकार ने उसको सस्पेंड किया था, और मैं बता दूं आपको, बॉडी सस्पेंड हुई है, एक्टिविटी सस्पेंड हुई है, कभी भी जब भी होगी तो बॉडी ये ऐसे ऐसे अपना काम करेगी। जो इसकी जो कुछ कमियां हुई, जो जैसे नेशनल कराने की थी, जो कि भाई 15 दिन से पहले नोटिस देना होता है, उस चीज़ों के ऊपर सस्पेंड किया हुआ है, तो उसके बाद जब भी इनकी चीज बातचीत होगी तो वैसे होगा, और दोबारा चुनाव जानते मेरे पता नहीं होंगे। नहीं देखिए, जो अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से देखते हो, सब कुछ देखते हो, तो मेरे को लगता है कि चुनाव होंगे। अभी ये एक्टिविटी सस्पेंड की हुई है, उसके बाद जो भी अभी कुछ चीज़ें होंगी जो ठीक होंगी, जो भी चीज़ें हैं उनकी आपस में मीटिंग होगी, जो भी चीज़ होंगी, भाई एक क्लियरिटी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हम कब क्या कौन सा टूर्नामेंट कर रहे हैं और क्या हमारा एक रोड मैप है, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। सर, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का जो मेडल वापसी का कदम था, वो किस तरह से देखिए, वो उनका निजी फैसला था, वो उन्होंने वो मैं रखा है, पर मेरा ये मानना है कि ये कोई भी पदक है, ये सम्मान होते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, राजीव गांधी खेल रत्न हो, ध्यानचंद खेल रत्न हो, अर्जुन अवार्ड हो, ये खिलाड़ी के साथ साथ पूरे देशवासियों का और सरकार का बहुत ज़्यादा इस पर पैसा लगता है, और अकेले किसी की भी जो भी सम्मान है, किसी अकेले की धरोहर नहीं होते। और खासकर इस तरीके से फुटपाथ रोड पर रखना, मेरे को नहीं लगता ये कोई ये चीज़ें अच्छी हैं, शोभा देती है। और साक्षी मलिक जो है राजनीतिक के तौर पर इस प्रकार के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं, पर मेरे को, मैं जहाँ तक जो मैं बताता हूँ आपको, कि ये चीज़ें इस तरीके से सम्मान को सड़क पे रखना बिल्कुल गलत है, और ये सम्मान किसी अकेले का नहीं होता, पूरे देश का सम्मान होता है, और खासकर खिलाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च सरकार खुद करती है, 1-1.2 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं, तो इन खिलाड़ी के ऊपर भी साल में 1-1.5 करोड़ रुपये खर्च हुआ है, तो इसलिए सम्मान, और वैसे भी
विरोध करने का, अपने लड़ाई लड़ने का और बहुत रास्ते हैं। अब कोर्ट में भी केस चला हुआ है, तो इस तरीके से सम्मान रोड पे नहीं रखने चाहिए। इन दिनों जो है कुश्ती काफी प्रभावित हुई है कि हमारे जूनियर पहलवानों को और खासकर कुश्ती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप पिछले एक साल में देखिए, एशियन गेम्स में देखिए, वो जो मेडल मिलने चाहिए थे नहीं मिले हमें। अभी इसका पूरा आप देखोगे कि अभी पेरिस में ओलंपिक है, उसमें देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे पिछली बार दो मेडल से दो से तीन या चार मेडल हो, पर मेरे को लगता है कि उस तरीके से परफॉर्मेंस हम दे पाएंगे।